Hello everyone, I am Dr. Ashish Sharma from Family Dental Clinic Guwahati. We are located at a prime location in ABC bus stop near Rajiv Bhavan. Today I am going to talk to you about cost of dental crowns या cap जिसे कहते हैं. हमारे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम cap कहाँ कहाँ देते हैं. What are the indications for cap or crown? जैसे कि root canal treated teeth हो गया, जिन दांतों में बहुत ज़्यादा decay होता है, जिन आपको अगर स्माइल मेकओवर करना है, आपके दांतों में गैप है, तो आप क्राउन्स लगा सकते हैं. और अगर हमें लगे कि आपके दांत में स्ट्रेंथ बहुत कम हो गया, तो हम लोग उसके ऊपर कवरिंग करने के लिए हम लोग फुल माउथ क्राउन्स भी देते हैं. नाउ टॉकिंग कमिंग टू द पार्ट विच इज़ लाइक एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो आर द कॉस्ट ऑफ द क्राउन्स. सो बिफोर आई टेल यू अबाउट द कॉस्ट ऑफ द क्राउन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू नो द टाइप ऑफ द क्राउन्स. द फर्स्ट टाइप इज़ द वन विच हैज़ मेटल इनसाइड एंड सेरामिक आउटसाइड. इसे कहते हैं पोर्सिलिन फ्यूज्ड टू मेटल, PFM क्राउन्स. ये मोस्टली हम लोग इंडिकेट करते हैं पोस्टीरियर टीथ में, जहाँ पीछे के दांतों में, जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. हालांकि आजकल जो बिना पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल क्राउन्स होते हैं, उनका स्ट्रेंथ भी इसके जितना सिमिलर ही होता है, लेकिन ये हम लोग पीछे के क्राउन्स में इंडिकेट करते हैं. आगे हम लोग इसको कम रिकमेंड करते हैं. अब इसके कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो इसका कॉस्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि ये कहाँ से बना गया क्राउन्स, द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल विच इज़ यूज्ड, द टाइप ऑफ द लेबोरेटरी विच इज़ यूज्ड. अगर हम एक बहुत अच्छे स्टैंडर्ड लैब में इसको बनाने के लिए देते हैं, जहाँ पे एक बहुत अच्छा मार्जिनल फिटिंग होता है क्राउन्स का, तब इनका कॉस्ट हायर साइड में चला जाता है. बट एट एन एवरेज इफ़ यू सी द कॉस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम अराउंड 4 to 5,000 रुपीज, गोज अप टू 10 to 12,000 रुपीज फॉर दिस काइंड ऑफ क्राउन्स ऑल्सो. इनका सबसे अच्छा बेनिफिट ये रहता है कि इनका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रहता है, तो पोस्टीरियर दांत, जो पीछे के दांत जिससे हम लोग च्यू करते हैं, उनमें ये एप्लीकेबल अच्छा रहता है. द सेकेंड टाइप ऑफ क्राउन विच इज़ द वन विच इज़ कॉमनली यूज्ड इज़ द मेटल फ्री क्राउन्स. इनमें मेटल नहीं होता है, तो ये हम लोग नॉर्मली इंडिकेट करते हैं आगे के दांतों में. जो दांत हमें बहुत विजिबल रहता है जब आप स्माइल करते हो, जब पेशेंट स्माइल करते हैं, तो ये दांत ज़्यादा विजिबल रहता है, तो इन सब दांतों में हम लोग इसको रेकमेंड करते हैं. तो इनका बेसिक इंडिकेशन होता है कि आप अगर एस्थेटिक जोन्स जिसे कहा जाता है, कि जहाँ पे दांत, जहाँ पे स्माइल करने पे टीथ विजिबल रहता है, वहाँ पे इनको रेकमेंड करा जाता है. इनका क्वालिटी जो होता है वो डिपेंड करता है. अगेन द सेम थिंग, द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी, द टाइप ऑफ द क्राउन्स यू वॉन्ट टू गो फॉर. देयर ईमेक्स क्राउन्स, देयर जिकोनिया क्राउन्स, इनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं. दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड ऑन इन द क्लिनिक, दैट कैनॉट बी डिसाइडेड ओवर फोन. दैट हैज़ टू बी डिसाइडेड इन द क्लिनिक कि एक पर्टिकुलर पेशेंट को कौन से एरिया में कौन सा क्राउन देना है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट, अगेन द क्वालिटी ऑफ द क्राउन एंड द क्वालिटी ऑफ द लैब वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक क्राउन जो अगर हम एक बेसिक लैब से बनवाते हैं, तो वो आपका कॉस्ट अराउंड 8,000 भी पड़ सकता है, 10,000 भी पड़ सकता है. लेकिन यही अगर हम बहुत अच्छे लैब से बनाते हैं, जो आपको बहुत अच्छे ड्यूरेशन तक चले, तो वो 15,000, 18,000, 20,000 तक भी इसका कॉस्ट पड़ सकता है. सो बेसिकली देर इज़ अ ह्यूज वेराइटी विच वी सी हियर. द रीज़न वाई देर इज़ अ वेराइटी इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द क्राउन, द टाइप ऑफ द मटीरियल दैट is used, the quality of the lab and which type of crown has to be given to you. अलग अलग लोगों में अलग अलग indications होते हैं, अलग अलग requirement होते हैं. On that basis we decide the type of the crown and on that basis we get to know the cost of the crown. Thank you so much. Keep watching our videos to get more updates about dental treatments and various procedures which we do at our clinic.